स्वे नो ओम शांति 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 वैदिक जीवन पद्धति किस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है यजुर्वेद के अठारहवें अध्याय का स्वाध्याय हम कर रहे हैं यज्ञ के परिपेक्ष में कि हमारा सारा जीवन यह समग्रता से व्यतीत हो जो कुछ भी हम इस संसार से पाते हैं संसार इसीलिए संसरती संसार रहा यह सरकता रहता है तो इस सरकने वाले संसार में भी हम दृढ़ हो हम अपने आचरण से अपने संस्कार से अपने स्वभाव से अपने सामर्थ्य से अपने संकल्प से बंध करके रहें ताकि प्रत्येक क्षण हमारा ऊर्ध्व रोहण हो हम पतित न हो अधोगति की ओर न जाकर के ऊर्ध्व गति की ओर सतत बढ़ते रहें, ये मानवीय कर्तव्य है जिसको परमपिता परमेश्वर ने अपने उपदेशों से अभिषिक्त किया है उस सींचा है और इस जैसे सूखे हुए वृक्ष को सूखे हुए पादप को यदि पानी मिल जाता है तो हरा भरा हो जाता है फल-फूल से लद जाता है वैसे ही ये वेद के मंत्र ये वेद के वचन हमारे सूखे जीवन में नीरस जीवन में रस का आधार करते हैं सरस जीवन बन जाता है जो व्यक्ति बिल्कुल हताश निराश रहता है उसके जीवन में भी ये खुशहाली का आधार करते हैं तो हमने ग्यारह मंत्र तक स्वाध्याय किया था पुनः बारहवें मंत्र को हम आज आपके समक्ष रखेंगे पिछले कक्षा में से किसी कोई प्रश्न तो पूछिए ओम परम पूज्य स्वामी जी जी जैसे आपने ज्ञान के बारे में बताया स्वामी जी की मतलब ज्ञान अगर जितना व्यक्ति के पास है उसको तो रखना ही चाहिए और साथ साथ ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए जी तो आज स्वामी जी अगर वर्तमान में देखा जाए तो समाज केवल भौतिक ज्ञान के पीछे ही भाग रहा है क्या केवल भौतिक ज्ञान से ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है ओ। जी, ज्ञान तो सतत बढ़ना ही चाहिए और ज्ञान के आधार से ही व्यक्ति का जीवन और ये जहान महान बनता है परंतु जो भौतिकता का ज्ञान है उसके साथ साथ जब तक आध्यात्मिकता नहीं जुड़ेगी जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति दुखी होगा हाँ, उसको भौतिक अधिक उसके पास रहेगा, तो भौतिकता की ही वस्तुओं का विस्तार करेगा भौतिकता का ही विस्तार होगा तो निश्चित रूप से उसको कभी ना कभी उस भौतिकता से ऊब भी हो जाएगी उससे उसको जब उसका आ, प्रतिफल या उसका साइड इफेक्ट उसको पता चलेगा तो दुखी होगा भौतिकता बुरी नहीं है लेकिन भौतिकता को भी हम सात्विकता के मूल में रख करके कार्य करें हमारे मूल में जब अध्यात्म होगा हमारे मूल में जब योग और यज्ञ होगा तो निश्चित रूप से हम कितना भी अभ्य करें वो घातक नहीं होगा और यदि यज्जी भावना नहीं है यदि योगमय जीवन नहीं है यदि युक्त जीवन नहीं है तो निश्चित रूप से वह भौतिक जान हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा जैसे पूछते हैं कि विज्ञान अभिशाप या वरदान तो ये यदि भौतिकता ही भौतिकता को पसंद करता है व्यक्ति तो निश्चित रूप से वह उसके लिए अभिशाप हो जाएगा क्योंकि भौतिकता में सुख क्षणिक है दुख अनंत है यदि एक पांच प्रतिशत उसको सुख मिलता है तो पंचानवे प्रतिशत उसको जो है दुख मिलेगा पांच प्रतिशत सुख के लिए पंचानवे प्रतिशत लोग दुख को सहन करते हैं यह उनकी अज्ञानता ही है और केवल अपने लिए नहीं वो पूरी समष्टि को दुख देते हैं पूरे वातावरण को दुख देते हैं इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो अपने दुख को स्वयं सहन करेगा लेकिन समष्टि को दुख देना नहीं पसंद करता है वो पंचानबे प्रतिशत सुख देने की कोशिश करेगा दुख अब जैसे हम व्यवहार करते हैं तो कभी ना कभी जाने अनजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में दुख हो जाता है लेकिन वो कोशिश यही करता है कि मेरी वाणी से मेरे व्यवहार से मेरे प्रत्येक कार्य से किसी को कष्ट न हो को कष्ट नहीं होना चाहिए तो भौतिकता ये तो हमारे शास्त्रों में भी आया कि भौतिकता बुरी नहीं है भौतिक ज्ञान बुरा नहीं है समय समय पर वो ज्ञान बढ़ता ही रहे जो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि भूत का जान केवल उतने में स्थिर हो जाए तो काम नहीं बनेगा भविष्य का भी जान होना चाहिए और फिर दोनों जान हमारे पास संतुलित इसलिए हम निश्चित रूप से ये समझें कि भौतिकता का भी ज्ञान हो और अध्यात्म का भी जान हो क्योंकि बिना अध्यात्म के व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता चाहे वो घर रूपी संस्थान हो चाहे परिवार रूपी संस्थान हो या समाज रूपी संस्थान हो या विश्व रूपी संस्थान हो कहीं भी यदि इन संस्थानों में आध्यात्मिकता नहीं है तो वह संस्थान शमशान बन जाते हैं अब हमको विचार करना है कि अध्यात्म को मूल में रख करके इस संस्थान को स्वर्ग जैसा बनाना है या संस्थान को अध्यात्म को छोड़ करके केवल केवल भौतिक 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 ही रख करके इसको शमशान बनाना है विचार करके जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसको ग्रहण करना चाहिए इसी से जब व्यक्ति उस परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के अपने जीवन को जीता है तो वह हर पल उत्थान करता है भौतिकता में लोग बार बार ठगते हैं दूसरों को भी ठगते हैं और दूसरे उनको भी ठगते हैं इसलिए ये माया नाम से जो लोग कह देते हैं वो माया से बचने का एक ही उपाय है कि अपने को जान के ऊपर आधिपत्य अपना करें जान को अंगीकार करें जान से ही यह संभव हो सकता है सामर्थ्य को अर्जित करें जान के आधार पर और वो कब संभव है श्रद्धावान लभते जानम श्रद्धावान होंगे उन्हीं को जान मिलता है उस परमात्मा के प्रति माता-पिता गुरु आचार्य और बड़ों के प्रति जिसकी श्रद्धा होती है वेद उपनिषद दर्शन आदि शास्त्रों के प्रति जिनकी श्रद्धा होती है वही ज्ञान प्राप्त करते हैं और जिनकी श्रद्धा ही नहीं है वेद के वचनों में वेद के आदेश पर गुरु के आदेश पर या अन्य शास्त्रों के आदेश पर जिनको शंका है जिनको जो है वो बात समझ में नहीं आती है वो कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं करते हैं जो श्रद्धा से इसको स्वीकार करते हैं एक एक पल पल एक श्वास श्वास में जो परमात्मा का चिंतन करते हुए जान को अपने जीवन में उतारते हैं जीते हैं वही उत्थान को प्राप्त होते हैं उन्हीं का जीवन यज्ञी हो जाता है इसलिए किसी कवि ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना लिखी है हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में विश्वास से ही सारा विश्व है विश्वास से ही सारा विश्व है और जहां विश्वास नहीं है वहां विष है विश्वासघात होता है वहां मानो की विष ही लोग देते हैं माता पिता के प्रति यदि विश्वास नहीं है तो भी लोग माता पिता को भी विष दे देते हैं इसलिए विश्वास के साथ जिए अब कोई बोले कि ये तुम्हारे पिता नहीं है ये मेरी माता नहीं है अब उसको शंका हो जाए अच्छा इसीलिए मुझको पहले भोजन नहीं देती है अच्छा इसीलिए मेरे साथ ये पक्षपात करते पिता जी। ये मेरे पिताजी नहीं है उन्होंने सही कहा अब दो चार बार किसी ने भर दिया तुम्हारे पिता नहीं है अब पिता के ऊपर शंका शुरू हो गई अब जब माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उनके प्रति शंका हो गई अविश्वास हो गया तो धारा में किसका विश्वास करेंगे उस परमात्मा को तो कहा क्योंकि वो तो दिखाई पड़ता नहीं अरे जो दिखते हैं उनके प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं है लेकिन ये जो सात्विक जीवन जीता है आध्यात्मिक जीवन जीता है जिसका जीवन यज्ञी है उसके जीवन में रोम रोम से कृतज्ञता फूटती है रोम रोम श्रद्धा भरी होती है और वो कभी भी अपमान नहीं करता कभी भी अविश्वास नहीं करता है इसलिए ये बात कही हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में दिन से दिणतर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में मनमोहक माया ठगनी की मैं देख नहीं हर कदम पर लोग ठगने के लिए तैयार हैं हर कदम पर वासनाएं अपनी ओर खींचने के लिए लालायित हैं और जैसे ही नजर हटी दुर्घटना सावधानी हटी दुर्घटना घटी इसलिए कहा मनमोहक माया ठगनी की मैं देख छटा भर माऊ नहीं हे माया स्वामी सदा रहे यह दास तुम्हारे चरणों में हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में तुम सदगुण प्रभु सुखदाता हो सब जान तुम ही से पाते हैं तुम सदगुण प्रभु सुखदाता हो सब जान तुम्ही से पाते हैं मुझ दीन हीन की हो केवल मुझ दीन हीन की हो केवल अरदास तुम्हारे चरणों में हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में अजान अंधेरे में होता बस प्रकाश तुम्हारे चरणों में हे देव समर्पित कर श्वास तुम्हारे चरणों में भक्ति का अर्थ समर्पण है भक्ति में शर्त नहीं चलती कुछ लोग बोलते हैं कि मुझको ये नौकरी मिल जाए तो मैं दो किलो लड्डू बाटूंगा मुझको मेरा काम ये सिद्ध हो जाए तो मैं कथा सुनूंगा भंडारा कराऊंगा ये क्या है ये शर्त है यदि नहीं पूरा हुआ तो नहीं कराऊंगा और ये पूरा हो गया तो कराऊंगा ये समर्पण नहीं समर्पण सब कुछ सम्यक प्रकार अर्पण कर देना भगवत अर्पण होकर के अपने तन मन इस जीवन को अर्पण कर देना अनकंडीशनल सरेंडर इसलिए कहा भक्ति का अर्थ समर्पण है भक्ति में शर्त नहीं चलती बेशर्त समर्पित हो पाए हम काश तुम्हारे चरणों में हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में विषयों में ऐसे रह पाऊ रहता है कमल जो पानी में यह सारा संसार कीचड़ के जैसा है और उसमें अपने को कमल के जैसे खिलना है संसार में रह कर के भी कमल के जैसे रहना है और इस संसार को सुशोभित करना है जैसे कीचड़ में कमल खिलता है और जब कमल खिलता है तो पूरे तालाब की शोभा बढ़ जाती है अपने को ऐसा उन्नत जीवन जीना है किसी भी स्थिति में हो किसी भी हाल में हो किसी भी काल में हो अपने को कमल के जैसे खिला के रखे विषयों में ऐसे रहे रहता है कमल जो पानी में कर रहा प्रार्थना आ जानी कर जोड़ तुम्हारे चरणों में हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में दृढ़ से दृढ़ होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में विश्वास तुम्हारे चरणों में तो ऐसा विश्वास यदि हमारा जमेगा तो निश्चित रूप से हमारा जीवन चमकेगा पूरा विश्वास हो अधूरा नहीं बेशर्त हो इसलिए हम जीवन को समझे और आगे के मंत्र को आपके समक्ष मैं रख रहा हूं ग्यारह हमने पढ़े थे बारवा मंत्र इस चमका अध्याय यजुर्वेद के अठारवे अध्याय का बारवा मंत्र आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें बहुत ही अच्छी प्रार्थना की वृहस्मे यवाशमे ماشاس چمی تلا چمی मुद्गस्थमे 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 खलवास चमे खलवास चमे

मेणवश्चमे अण्वश्च में श्याम काश चमे श्यामा निवाराश्चमे निवाराश्चमे गोधूमाश्चमे गोधूमा मसूराश्च मे मसूरास में यज्ञ कल्पनता उच्चारण करेंगे वृह्य में यवा मेंषाश्च में तिलाश्च में मुद्गा मे खलवा में 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 गोधूमाश्च में मसुराश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम् व्रीह्यवश्चमे यवाश्चमे माशाश्चमे तिलाश्चमे मुद्गाश्चमे खलवाश्चमे प्रियंगवश्चमे अणवश्चमे श्यामाकाश्चमे निवाराश्चमे गोधूमाश्चमे मसूराश्चमे यज्ञ कल्पनताम ये प्रार्थना की कि जो है जो व्री है क्योंकि गत मंत्र जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उसमें ये बात आई थी कि मति और सुमति हमारी गति मति ठीक रहेगी सुमति ठीक रहेगी तो मति व सुमति का संपादन करने के लिए मैं व्रीह और उत्तम औषधियों का सेवन करूं क्योंकि तो आहार शुद्ध सत्व शुद्धि की बात कही है। यदि आहार हमारा ठीक है तो हमारा मन भी ठीक रहेगा बुद्धि भी ठीक रहेगी तो ये जो अब अन्न यहाँ पर गिनाए हैं अलग अलग और उन अन्नों का एक एक करके यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि इससे ये अजीब भावना से मैं ओतप्रोत हो ये मेरे लिए पुष्टिकारक हो सामर्थ्य को बढ़ाने वाला हो इसलिए कहा कि यह वृह और यव आदि उत्तम औषधियों का सेवन करूं मेरा भोजन जो है वनस्पतिक हो वनस्पति का अर्थ वन जान रश्मियों का पति रक्षा करने वाला और जो है जो अन्य प्रकार के दूसरे जो मादक द्रव्यों का या मांसाहार का सेवन करते वो बिल्कुल विपरीत ले जाने वाला है इसलिए मांसाहार मनुष्य का स्वभाव को दूर और क्रूर बनाने वाला है अध्यात्म से दूर ले जाने वाला है और मनुष्य का स्वभाव क्रूर बनाने वाला है जो मांस आदि जो जो है अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है ये जो वैदिक परंपरा है उसमें इन अन्नों का इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका आहार हमारे विचार को शुद्ध करता है पवित्र करता है इसलिए ये बात कही यहाँ पर कि जो है हमको उत्तम बनाए वृहस चमे चमे का तात्पर्य यह है कि मेरा जो भोजन हो वो चावल हो और यवास मेरा भोजन जव हो माशास चमे मेरा भोजन जैसे मांस होते मांस माश ये मांस वो वाला नहीं है ये माश है माश हा माशा हा। माशा उड़द माश क्या बोलते हैं उड़द वो मांस है मांस और ये ये क्या है मूर्धन्य शे माषाश्चमे अर्थात मैं उड़द का प्रयोग करूं तिलश्चमे मैं तिलों का प्रयोग करूं तिलों को अपनाऊ मुदगाश्च में मैं जो है मूंग मेरे भोजन में हो क्यों मुग्ध दाली गदव व्याली कहा है दालों में सबसे ज्यादा दाल किसकी अच्छी होती है मूंग की तो आयुर्वेद ग्रंथों में आता मुग्ध दाली गदव व्याली। अर्थात मूंग की दाल रोगों को हरने वाली होती है इसलिए मेरे भोजन में मूंग हो मेरा भोजन का जो है अंग मूंग जरूर हो अतः आगे कहा खलवास चमे मैं जो है चणो जो चने खाते हैं खलवा तो जो है खलवा चमे चढ़ो को मैं अपना भोजन बनाऊं और चमे मेरा मेरा भोजन हो और अणवस चमे चीनक मेरा भोजांग बने ऐसे ऐसे अन्नों का नाम यहाँ पर गिनाया है कि कई अन्न तो विलुप्त हो गए आपको मिलेंगे भी नहीं और हो सकता है भी मिले भी और अणवस्मे चीनक मेरा भोजांग बने और श्याम में तृण धानों को चावल तो मिलता ही है कोदो को मैं अपनाऊ तो पहले गांव में खूब खाते थे और कोई रोग उनको पूरे जीवन नहीं होता था मिला जुला खाते थे मिलजुल करके रहते थे अब ये स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गई है आगे कहा कि निवाराश्चमे मैं अरण्य का सेवन करू अरण्य धानों का सेवन करूं गोधूमा अर्थात गेहूं को अपनाऊ मसूराश मसूर का सेवन करूं और करूर कल्पनताम ये सारा जो है प्रभु संपर्क से मेरे वानस्पतिक भोजन कल्पनता मुझे सामर्थ्य का मेरे में आधान कराए सामर्थ्य संपन्न बनाने वाले हों मैं सदा शाकाहारी बन करके सशक्त बनूं अपनी जान रश्मियों को बढ़ाऊं तथा प्रभु के समीप पहुंचने वाला हूँ प्रभु की चरण शरण का मैं दास बना रहूं अरदास मेरी वो स्वीकार करे मैं बिंदास इस जीवन को जी सकू कभी भी हताशा निराशा ना आए तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं इसी मंत्र की चर्चा अगले कक्षा में और करेंगे ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः